सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस ने NIA कोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिटीशन में उसने कहा है कि अगर पंजाब पुलिस मेरा प्रोडक्शन वारंट मांगती है तो एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस को अगर पूछताछ करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे, इसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया है। कहा लॉ एंड ऑर्डर राज्य पुलिस का विषय है। इस बीच सिद्धू मूसेवाला का सोमवार दोपहर बाद मानसा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया। 2 घंटे चले इस पोस्टमार्टम में मूसेवाला के शरीर पर गोलियों के एंट्री एग्जिट समेत 24 निशान मिले। हमलावरों ने उनके सिर में भी गोली मारी। वहीं इस मामले में पंजाब पुलिस उत्तराखंड पहुंची। यहां उत्तराखंड STF के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें एक आरोपी लॉरेंस गैंग का संदिग्ध शार्प शूटर बताया जा रहा है। इसे हिमाचल के उत्तराखंड में घुसते वक्त एक कार रोककर हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस इनकी शिनाख्त कर रही है। IPS अफसरों की लंबे समय से पेंडिंग लिस्ट जल्द जारी होगी। इसमें जिला SP, DCP के साथ ADG व IG रैंक तक के नाम होंगे। मुख्यालय में डेपुटेशन से लौटे IG विकास कुमार, गौरव श्रीवास्तव व राजेंद्र चौधरी को रेंज की जिम्मेदारी मिल सकती है। राघवेंद्र सुहासा को भी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलने की संभावना है। नॉन फीड पोस्टिंग में रहे SP राजीव प्रचार, अरशद अली, हाल पदोन्नत सजीव जैन, SP अनिल बेनीवाल, गौरव यादव, गगनदीप सिंगला, राशि डोगरा व पूजा अवाना को जिले की कप्तानी मिल सकती है। अजमेर SP विकास शर्मा, सीकर SP कुंवर राष्ट्रदीप, नागौर SP राममूर्ति जोशी, प्रतापगढ़ SP अमृता दुहान, जयपुर कमिश्नरेट नॉर्थ DCP पारिस देशमुख, जयपुर कमिश्नरेट ईस्ट DCP प्रहलाद कृष्णिया व कोटा ग्रामीण SP कविंदर सागर बड़े जिले की कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे हैं। IPS विकास सांगवान को भी पुलिस महकमे में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगले 15 दिन में DGP का नाम तय हो जाएगा। ACB DG BL सोनी का नाम DGP की दौड़ की चर्चा में सबसे आगे चल रहा है। हनुमानगढ़ जिले के TB थाना क्षेत्र के सूर्यवाला में नवविवाहित जोड़े ने आत्महत्या के लिए नहर में छलांग लगा दी। दंपति की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस आपदा प्रबंधन टीम और गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सूर्यवाला कस्बे से गुजरने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसी महिला और पुरुष ने छलांग लगा दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क किनारे एक बाइक खड़ी मिली थी। पूछताछ की तो दोनों की पहचान तलवाड़ा झील के वार्ड नंबर 4 निवासी हरपाल सिंह उर्फ भाला और इसकी पत्नी मंजीत कौर के रूप में हुई। दोनों पति पत्नी थे और दोनों का विवाह 2 महीने पहले ही हुआ था। हालांकि अभी तक नवविवाहित पति पत्नी ने नहर में छलांग लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। टोंक ACB की टीम ने पिपलू थानाधिकारी और दलाल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रिश्वत बजरी के वाहन को बिना किसी कार्रवाई के पिपलू थाना क्षेत्र से निकलने देने के लिए ली थी। ACB के महानिदेशक भगवानलाल सोनी ने बताया कि ACB की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि बजरी वाहनों को बिना किसी कार्रवाई के चलने देने के लिए मासिक बंदी के रूप में पिपलू थानाधिकारी हरि नारायण मीणा अपने दलाल भंवरलाल के माध्यम से 40,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ACB ने जाल बिछाते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने गिरफ्तार किया है। करप्शन हवाला मामले में जैन के खिलाफ जांच चल रही थी। मामला कोलकाता की कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। सत्येंद्र को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। सत्येंद्र को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि वो ED को जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे। मामले से जुड़ी जानकारियाँ जाँच एजेंसी से छुपा रहे थे। अब ED सत्येंद्र को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी ताकि हवाला के इस मामले का पता लगाया जा सके। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सोदिया ने कहा कि 8 साल से झूठा केस चल रहा है। जैन हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर इलाके के गांव 3 DM के रवि सिहाग ने सोमवार को इतिहास रच दिया। UPSC परीक्षा में जब रवि को देश में 18वां स्थान मिला तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार में पिता रामकुमार सिहाग खेतीबाड़ी करते हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। 3 बहनों में से 2 सरकारी सेवा में हैं। जिले में इंटीरियर गाँव 3 MD में रहने वाले रवि के पिता बेहद खुश थे। जो सपना पूरा वह नहीं कर पाए उनके बेटे ने पूरा कर दिखाया। रवि अभी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में काम कर रहे हैं। पुणे में रह रहे रवि का कहना था कि लगातार पढ़ाई से ही उन्हें सफलता मिली। उन्होंने बताया कि UPSC में क्लियर होने का यह उनका पहला अवसर नहीं है। पहले 2 बार सफल हो चुके हैं लेकिन हर बार रैंक कम रह जाती। अब उन्होंने देश में 18वां स्थान प्राप्त किया।
डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बेचने की नीयत से किडनैप करने के मामले में दो महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं तीनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सदर थाने में पीड़िता की मां ने 11 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दी थी कि बडगी निवासी जीव उर्फ दिनेश, रेखा और लक्ष्मी जुलाई 2019 में उसके घर आए। तीनों उसकी बेटी को मजदूरी के लिए अपने साथ गुजरात ले गए थे, जहां पर लक्ष्मी और उसके पति दिनेश ने उसकी बेटी को अपने साथ कमरे में छिपाकर रखा है। बेटी से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि लक्ष्मी और उनका पति दिनेश उसकी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे, जिसके चलते करीब 4 महीने तक बंधक बनाकर रखा। दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी आस्था धाम के उदयपुरा चौराहे पर स्थित एक प्रसाद की दुकान से 20,59,600 रुपए की नकदी पार हो गई। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित दुकानदार ने तिजोरी खोलकर देखी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित दुकानदार ताराचंद गर्ग ने बताया कि उन्होंने सुबह 5 बजे दुकान खोली। इसके बाद जब दुकान में लगी तिजोरी देखी तो उसमें से रखे 20,59,600 रुपए गायब मिले। घटना के दौरान न तो दुकान का ताला टूटा और न ही कोई दीवार, लेकिन तिजोरी से 20 लाख रुपए पार हो गए। जिस दुकान की तिजोरी से 20 लाख रुपए पार हुए, उस प्रसाद की दुकान को ताराचंद गर्ग वे उसके अन्य 5 भाइयों का परिवार सामूहिक रूप से संभालते हैं। अहमदाबाद दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस के इंजन में बैठकर पूर्व सरपंच पुत्र ने ट्रेन चलाने की स्टाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रेलवे जयपुर के सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी ने बताया कि मामले की गंभीरता से लेते हुए ट्रेन के ड्राइवर पीके मीणा, सहायक ड्राइवर मनीष कुमार व चीफ लोको निरीक्षक संतोष कुमार को सस्पेंड कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही आश्रम एक्सप्रेस के इंजन के पीछे खाली कैबिन में एक पूर्व सरपंच का पुत्र बैठ गया। इस दौरान उसने ट्रेन चलाने की स्टाइल में अपना वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। कुछ देर बाद उसने फेसबुक से हटा लिया, लेकिन यह काफी वायरल हो गया था। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 स्टोरियों को गिरफ्तार किया है। स्टोरियों ने नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद बाल मुकुंद इनानी को मुख्य कर्ता धर्ता बताया। पुलिस ने पार्षद इनानी को नामजद कर लिया है। स्टोरियों के पास से 2 लैपटॉप, 20 मोबाइल, 1 गाड़ी, लाखों का हिसाब और 48,700 रुपये जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ढमाणा रोड की एक कार के पास 5 लोग बैठे हुए थे और बाहर 3 लोग खड़े थे जो ऑनलाइन ऐप के जरिए सट्टा खेल रहे थे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर 7 स्टोरियों कपासन निवासी अभिषेक, देवीलाल, करण, शंभूपुरा निवासी नीरज, सांवरिया कॉलोनी कपासन निवासी रवि राव, रवि और गंगरार निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया।